मंच मिला है ये बाबा साहब की देन। हम भी जो गांव के अंदर रहने वाले, अभी हमारे प्रपोज भाई साहब ने बात रखी, कहते जो शादियां होती बराते नहीं चढ़ने देते। वाकई में ये सच्चाई है, हमारे दलित समाज में ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जिनको बराते निकलने नहीं देते हैं। लेकिन वो कारण क्या है, हमारी अपनी कमजोरी है। कहते जिस तरीके से एक झाड़ू की सीख को निकाल के मैं इस घर को साफ कर लूं, असंभव है। वो झाड़ू अकेली थी कुछ भी नहीं कर सकती है, और कोई मजबूत झाड़ू वो संगठन बंधी होती है, और वो चाहे तो वो पूरे घर का कचरा साफ कर सकती है। क्यों? उसके अंदर संगठन है, मजबूत है। और कोई हमारा समय आ गया है, मुझे सबको एकजुट होके मुझे अपना संगठन मजबूत बनाना है। और वो कैसे बनेगा? हर समाज में सभी नेता नहीं होते, ना सभी कोई विद्वान होता है, लेकिन विद्वान जो होता है उसके साथ मुझे जुड़ने की आवश्यकता है, मुझे उसके साथ जुड़ना। जिस तरीके से हमारे परम पूज्य कमल किशोर जी ने जो बीड़ा उठाया है, मैं इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, और आपसे मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ आपका तन मन धन से, और आप इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, और हम सभी का आपका तन मन से आपका पूरा योगदान है, और पूरे नाम के साथ चलूंगा। जय भारत, जय हिंद।